अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूं और माय उपचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्तनपान के कारण ब्रेस्ट लूज होने से कैसे बचाएं के बारे में बताऊंगी कि ब्रेस्ट का साइज छोटा हो सकता है, ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं और लटक जाते हैं। ऐसा होता है, ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और स्तनपान के दौरान हमारे शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ब्रेस्ट के स्किन को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। इसलिए डिलीवरी के बाद और स्तनपान कराने के बाद हमारे ब्रेस्ट लूज होना या लटकना एक आम सी बात है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इसको सुधार पाएँ या हम अपने लूजनेस या लटकने को कम कर पाएँ? आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पानी पीना है, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करना है, हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है और ये ध्यान रखना है कि डिलीवरी के तुरंत बाद हमें डाइटिंग करके वज़न कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से यदि हम एकदम डिलीवरी के बाद ये कोशिश करनी शुरू करते हैं तो ब्रेस्ट लूज हो सकते हैं। इसके अलावा हमें ब्रेस्ट को हमेशा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। उसके बाद हमें ब्रेस्ट की एक्सरसाइज भी करते रहना है। एक अच्छी सपोर्टिंग ब्रा पहननी भी बहुत ज़रूरी है और कई बारी हम अंडा, एलोवेरा और हनी का मास्क भी ब्रेस्ट पर लगा सकते हैं। अगर आपको स्तनपान की समस्याओं से जुड़ी कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर लाभ देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।